धन्यवाद सभी का, सभी किसानों का। और हम आज बात करेंगे महिला किसान की, जो सरकारें कहते हैं कि खेती में महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन आज हम दिखाना चाहते हैं कि ये खेत है और यहाँ पे जितना भी आप देखोगे महिलाएं यहाँ पे खेत में काम महिलाएं कर रही हैं। लेकिन जब महिला किसान के लाभ की बात आती है तो महिलाओं को पूरा नहीं करा जाता है। कहते हैं जी महिलाओं के नाम जमीन नहीं है, महिलाएं खेत में काम नहीं करती, महिलाएं घर में रहती हैं। तो पूरा खेत का अगर काम करती है तो 50% से ज़्यादा महिलाएं खेत में काम करती हैं। बीज का रख रखाव कैसे होगा वो महिलाएं जानती है। यहाँ पे खेत में पूरा गन्ने का अगर काम है ये कर रही हैं तो ये खुद करती है। और इनमें खास ये है कि भूमिहीन किसान जिनको हम कहते हैं, ये वे महिलाएं हैं जो दूध का पूरा अपना कारोबार दूध से अपने घर को चलाती है, अपनी रोजी रोटी दूध से चलाती है। इनके पास में ज़मीनें भी नहीं हैं, ये खेतों में काम करके अपने पशु पालन का काम करती हैं। अगर बाहर की कंपनियों का दूध देश में आएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन परिवारों को होगा, उन मजदूरों को होगा जो पशुपालन करके अपना गुजारा चलाते थे। ये महिलाएं हैं, ये अनपढ़ हैं, ये पढ़ी लिखी नहीं हैं और अपना जो रोजगार चलाती हैं ये खेत में काम करके अपने पशुओं का ये जो चारा है ये आप देखोगे कि ये हरी घास जो इसमें पैदा होती है ये पशुओं के लिए ले जाती है, ये गन्ने का जो पत्ती हो ये ले जा। और इनके हम इनसे जानकारी करेंगे, कैंक आपके यहाँ कैंक पशु हैं? ये को दो पशु रखा, मतलब दो पशु इनके यहाँ पे हैं। तो ये पूरा छह पशु हैं और हाँ अभी दूध एक दे रही, दूसरी भी देने शुरू हो जाएगी। लेकिन छह पशुओं का पालने का काम ये करती है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी पैसे की मदद उन छह पशु को पालने का नहीं है, ठीक है। तो इनकी मदद करनी चाहिए, इनको देना चाहिए कि जो गौशालाओं के नाम पर जा रहा, एकल गौशाला के नाम से अगर पशु कोई पाल रहा है तो इन मजदूरों के घर पे जाना चाहिए। जो सरकार की योजनाएं हैं, अगर छह पशु बगैर दूध के ये अकेली महिलाएं रोक रही हैं तो सरकार की योजनाएं का पैसा उन पशुओं को इनके घर पे जाना चाहिए। दूध की पॉलिसी पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, नहीं तो ये पूरा आप देखोगे इन महिलाओं को, जो अनपढ़ महिलाएं हैं जो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती, इनको सीधा नुकसान उस दूध की पॉलिसी से इनको होने वाला है। ये सतर्क रहे। और ये जो गन्ना जहाँ पे ये है ये किसान का गन्ना है, और जो कहते हैं ये मजदूर और किसान का क्या संबंध है हम ये दिखाते हैं, ये यहाँ पे अभी दिखाएंगे। आओ इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे महिलाएं आप देखोगे कि ये आपका नाम क्या है? बालेश नाम है। ये खेत किसान का है और ये जो चारा है ये मजदूर का है। अच्छा एक बार ठहरियो, रुको, देखो किसान और मजदूर का क्या संबंध है हम अभी दिखाते हैं। ये तो मजदूर का हो गया इनका, और ये किसान का हो गया। और बगैर मजदूर के किसान का काम नहीं, बगैर किसान के मजदूर का काम नहीं, दोनों एक ही जगह से चलेंगे तो ये काम चलेगा, ये खेती होगी। अगर दूध की पॉलिसी आवेगी तो ये पूर्ण रूप से महिलाएं बर्बाद होंगी और ये देश का किसान भी बर्बाद होगा, जो दूध का उत्पादन करने वाले लोग हैं वे बर्बाद होंगे। तो सभी लोगों को सचेत होना, हमको पूर्ण रूप से विरोध करना है इस चीज का। भारत सरकार की कोई भी गलत पॉलिसी आएगी हम उसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर।